ब्रदर, यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया हम दोनों बात करेंगे वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये दिखा वो लोग हैं दिखा जो अग्निवीर या पेपर नहीं जिसकी वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप फिर मिलके जो आपने कहा जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और पहली नौकरी पक्की स्कीम जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए, ये आपके खटाखट के बाद वो रटारन खटाखट कर रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए, आपकी आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे, हालांकि नेताजी कुश्ती पहलवान और गांव के थे। करते हो कुश्ती? नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया, लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे, धरती पर जो लोग हैं उनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, मैं जाने कितने सालों पुराना लगाव है, जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शहर और शहर से है वो शायद और किसी राजनीतिक परिवार का नहीं होगा। तो नेताजी से उनका हार्डवर्क और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहना, जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं लड़े थे, हालांकि हमारी आपकी विचारधारा की यहाँ टकराव रहा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत या जो सिद्धांत में कभी समझौता नहीं हुआ, सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा दो लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे हमसे इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया, तो ये नेचुरल अलायंस है और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले, तो ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है।
सबसे सबसे बड़ी बात महंगाई की चोट सबसे ज्यादा इन लड़कों को लगती है। हमारी थिंकिंग है और आपकी भी है कि ये जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा धन पकड़ा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं, माताएं बहने हैं, उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना। देखिए, ये जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ इनका भाग्य भी बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। ये जरूरी स्कीम है कि इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, इससे थोड़ा बहुत जीवन स्तर इनका भी अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते, पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, और उनको लगता है कि डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन होगा, जितने विचार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बीजेपी के लोगों ने न केवल हमारी जान को खतरा पैदा किया है, बल्कि लोकतंत्र को भी और संविधान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ रहा है, आ गया, ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन ईडी सीबीआई ये लोग मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। कई बार सुनने को मिल रहा है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। लद्दाख की हमारी सीमाएं सुरक्षित हो गई, और अरुणाचल के आसपास या सीमा जो चीन से छू रही है वो बहुत असुरक्षित है। तो चीन से जहाँ हमारा सीमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बाजार को भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम है, पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को जंप स्टार्ट करने के तरीके है। ये बहुत अच्छा जंप स्टार्ट होगा इसको अगर फोकस होकर के IIT, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, इन सबको इकोसिस्टम में ला करके, मैं समझता हूँ युवा नौजवानों को अच्छी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि सब हर जात को भागीदारी मिले, स्पेस मिले, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, एजुकेशन के सिस्टम में, तो वो हमारा, हम दोनों का लक्ष्य है। बिल्कुल, और क्योंकि जो बात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी कह रही है कि सामाजिक न्याय जरूरी है, जाति गणना जरूरी है, देश के लिए ये बड़ी चीज़ है। जब दुनिया में अमेरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के लिए जो पीछे छूट जाते हैं उनके लिए कुछ काम करते हैं, तो हमारा जो देश जाति के आधार पर पिछड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ी भूमिका होगी इस बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मीटिंग, यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। क्या